हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सिंह पर। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो है ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आई है यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के। एक जरूरी जो है सूचना जारी हुई है, एक नोटिस जारी हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस नोटिस को लेकर के। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हो कि यूपी स्कॉलरशिप से जुड़ी हुई सारी अपडेट आपको सही से मिले, क्योंकि ये जो आने वाला जो 10 दिन है इसी में सभी की स्कॉलरशिप आने वाली है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कोई भी अपडेट मिले तो वो आप तक तुरंत के तुरंत पहुंच जाए। तो सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी आप जरूर शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक नोटिस जारी हुई है समाज कल्याण की तरफ से। यहां पर बताया गया है कि अनुसूचित जाति सामान्य वर्ग दसमोत्तर छात्रवृत्ति वर्ष 2022-23 योजना अंतर्गत आवश्यक सूचना। बताया गया कि जिन छात्र छात्राओं का छात्रवृत्ति स्टेटस में वेरीफाई रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी प्रदर्शित हो रहा है, उन छात्रों को जनपद स्तर से किसी भी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि दिनांक 31 मार्च 2023 तक शासन या निदेशालय स्तर से बजट की उपलब्धता के आधार पर अंतरित की जाएगी। यानी यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर आप लोगों का वेरीफाई रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी आपकी दिखा रही है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपकी जो स्कॉलरशिप है वो 31 मार्च 2023 तक जो है पहुंचा दिया जाएगा बजट की उपलब्धता तक, यानी कि जब तक बजट रहेगा तब तक भेजा जाएगा, यानी कि बजट इसमें बाधा बन सकती है। तो इसलिए आप लोगों का स्कॉलरशिप आने के चांसेस हैं, 31 मार्च तक आप वेट करिए। अभी हम लोग लाइव भी आए थे तब भी मैंने वहां पर यही बताया था आपको कि 31 मार्च तक आ जाएगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी समाज कल्याण विभाग जाता रहता हूं तो मुझे इंफॉर्मेशन पहले से ही मिलती है। यहां पर कोई भी हमें नोटिस की कोई जरूरत नहीं होती। तो फिलहाल यहां पर नोटिस आ गई है तो आप लोग इसको जानेंगे तो आपको एक विश्वास भी हो जाएगा कि हां 31 मार्च तक स्कॉलरशिप आपकी आ जाएगी। साथ ही साथ जिन लोगों की पेंडिंग दिखा रहा है अभी स्टेटस, तो यहां पर बताया गया है कि जिन छात्र छात्राओं का छात्रवृत्ति स्टेटस में पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी प्रदर्शित हो रहा है, उन छात्र छात्राओं का डाटा जनपद स्तर से अग्रसारित किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, यानी कि वो जो है प्रक्रिया में चल रही है और उसकी कोई दिक्कत नहीं, वो अपने आप सही हो जाएगा। बाकी जो बच्चे ज्यादा परेशान है अगर वो चाहें तो DWO अपने आप जा अपने DWO जा सकते हैं और वहां से इन चीजों को सही भी करवा सकते हैं। इसमें लिखा है कि इसके अतिरिक्त उक्त दो बिंदुओं के संबंध में छात्र छात्रा जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रयागराज के कार्यालय में संपर्क न करें ताकि डाटा अग्रसारण के कार्य में कोई बाधा उत्पन्न न हो। यानी ये कहा गया कि अगर आपका इन दोनों में से कोई दिक्कत है, यानी कि अगर आपका वेरीफाई और रिकमेंडेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी और स्कॉलरशिप नहीं आ रही तो भी आपको जो है कार्यालय नहीं जाना है, और अगर आपका पेंडिंग है तो भी आपको कार्यालय में कॉन्टैक्ट या जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आपको और कोई दिक्कत है तो आप लोग वहां पर जा सकते हैं। तो अपडेट कैसी लगी आप एक बार जरूर बताएं, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें जिससे आपको इसी प्रकार की सारी रियल और ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलती रहे। तो आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।